हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ ए इज द सबसेट और इक्वल टू बी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो हमें दे रखा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी और इक्वल टू बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी। यहां से हमें पता चल रहा है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी होगा एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखिए यहां से जो जो इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है उन सबको हम लोग लिख लेते हैं। एक तो ये हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी नॉट निकालें, ठीक है, तो वो कितना मिल जाएगा हमें, ए इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब हो गया यू माइनस बी। अब इसको अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन यू एक ब्रैकेट में आ गया माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, ए इंटरसेक्शन यू कितना हो जाएगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, ए, तो अल्टीमेटली हमें ये मिल जाएगा जीरो। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल रही है, जीरो। अब अगर ये हमें मिल गया तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ए वो करेक्ट हो जाएगा, तो यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब बी को चेक करते हैं। अगर पी ए ऑब्लिक बी की वैल्यू निकालें, साइड में पी ए ऑब्लिक बी की वैल्यू निकालें, तो वो कितनी होगी, पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में कितना आ जाएगा, पी बी। अब देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होगी पी ए अपॉन पी बी, पहले से ही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो बी है ऑप्शन वो भी करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी है पी बी ऑब्लिक ए, तो अगर हम लोग पी बी ऑब्लिक ए की वैल्यू निकालें तो वो कितनी हो जाएगी, पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में कितना आएगा, पी ए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो गई, पी ए अपॉन में पहले से ही है पी ए, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, वन। अब ये स्टेटमेंट देखिए रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर दे रखा है पी बी अपॉन पी ए। ठीक है, हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन सी है जो कि करेक्ट नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।